वहीं बात करें अगली खबर की, तो अगली खबर मध्य प्रदेश के रायसेन से है, जहां कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद दुबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद दुबे ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा आम निर्वाचन 2024 की घोषणा के साथ ही तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता प्रभावशाली हो गई है। उन्होंने बताया कि रायसेन जिले के 3 विधानसभाएं सांची, सिलवानी तथा भोजपुर लोकसभा सांसदीय क्षेत्र 18 विदिशा से आती हैं तथा जिले के उदयपुरा विधानसभा लोकसभा सांसदीय क्षेत्र 17 होशंगाबाद में आती है। सांसदीय क्षेत्र 17 होशंगाबाद के लिए 26 अप्रैल तथा 18 विदिशा के लिए 7 मई को मतदान होगा। रायसेन से ब्यूरो चीफ नरेंद्र राय की रिपोर्ट। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 2:03 लोकसभा निर्वाचन की घोषणा कर दी गई है और इस घोषणा के साथ ही पूरे जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील होने के तत्काल बाद संपत्ति विरूपण से संबंधित जो भी कार्रवाइयाँ हम लोगों को की जानी है उसमें कार्रवाई पूरे ज़िले में प्रारंभ हो चुकी है। 24 घंटे, 48 घंटे और 72 घंटे से संबंधित जो कार्रवाई होनी है उसमें काफ़ी तेज़ी से हमारा अमला काम कर रहा है और समय सीमा पर आदर्श आचरण संहिता के तहत जो संपत्ति विरूपण की कार्रवाई की जाएगी। आदर्श आचरण संहिता लगने के साथ साथ कुछ प्रतिबंधात्मक आदेश भी जारी किए हैं। धारा 144 के तहत कोलाहल नियंत्रण अधिनियम और अन्य जो एक्ट हैं उनके तहत, तो इन सब में जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो भी लागू हो गए हैं और इनका पालन करने के लिए आप सबके माध्यम से मैं अनुरोध करता हूं कि जिले में आदर्श आचरण संहिता का आम नागरिक जो है उसका पालन करें।